नमस्कार, जीएनआई न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। जनपद बाराबंकी में खबर का हुआ असर। जनपद इंटर कॉलेज हरक बाराबंकी में दबंगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा करने की खबर जीएनआई न्यूज चैनल पर चलाई गई थी, जिसको जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए एसडीएम के आदेशानुसार नायब तहसीलदार केपी सिंह, कानून गो आशुतोष उपाध्याय, लेखपाल उदय प्रताप सिंह के साथ थाना जैतपुर उपनिरीक्षक धनंजय सिंह अपनी पुलिस फोर्स के साथ अवैध कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराया। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। मैं केपी सिंह, नायब तहसीलदार नवाबगंज, उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के पर ये जो है अतिक्रमण हटाया गया है। ये पूर्व में भी किया जा चुका है और जिसने अतिक्रमण किया है वो बार बार इस पर कब्जा कर लेता था, ऐसा जो है शिकायत किया गया है विद्यालय के प्रबंधक महोदय द्वारा भी और इसके पूर्व में प्रधान द्वारा भी किया गया जी। तो ये जमीन चूँकि ग्राम समाज की है, नियमानुसार जो है इस पर किसी कब्जा नहीं होना चाहिए, इसलिए इस कब्जे को हटवाया गया है। ये बार बार कब्जा करता है तो क्या प्रभावी कार्रवाई आप लोग करेंगे जिससे कि पुनः कब्जा ना करें? अब इस बार हम लोग इस जमीन के उपयोगिता को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जमीन उपयोग में रहे तो ये इस पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाएगा, और अगर ये दोबारा कब्जा करता है तो इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर किया जाएगा और आगे जो भी उत्पीड़क कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएगी। धन्यवाद। आज जो है हरक चौराहे पर जो अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, ये किसके आदेश से हटाया गया है और पूरी बात बताइए, अपना पद सहित नाम सहित। ये प्रधान पूर्व में एक बार प्रत्यावेदन इन्होंने दिया था जी, उस प्रत्यावेदन को संज्ञान में देखते हुए 3 मार्च 2018 को ये अतिक्रमण हटा के और ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया गया जी। फिर भी ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी के बाद भी यहाँ अतिक्रमण हो गया है, जबकि ग्राम प्रधान को उनके खिलाफ FIR कराना चाहिए। अब इसमें विद्यालय के लोग जो है जनपद इंटर कॉलेज के वो इसमें जो है एप्लीकेशन दिए और इसके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराए जी। विद्यालय का FIR कराने का कोई उसमें वो नहीं था, जबकि प्रधान को ही करना चाहिए। अब पुनः जो है विद्यालय ने जब एप्लीकेशन दिया उसका संज्ञान लेते हुए इनका कदम हटाया गया। धन्यवाद। आपके शिकायती प्रार्थना पत्र पर जो है अवैध निर्माण हरक चौराहे से हटाया गया है, इस संबंध में आप क्या करना चाहते हैं, क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, क्या निवेदन करते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया था, आपके माध्यम से प्रशासन को भी कहा गया था जी, इसने बहुत एप्लीकेशन दी है। एक बार प्रशासन ने हटवाया भी था जी और प्रधान के सुपुर्द किया था हरक प्रधान के, इन्हीं कारणों पर उसने दोबारा फिर कब्जा कर लिया। उससे विद्यालय की भी भूल है, विद्यालय ने हम लोगों ने बहुत एप्लीकेशन दी उसमें, मैं तो इतना ही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। किया था, विनय विश्वकर्मा ने इस पर कब्जा कर रखा था पिछले कई सालों से, प्रशासन ने इसको एक बार हटवाया था लेकिन पूर्ण रूप से हटा नहीं था, लिहाजा वो है जो कब्जा धारक था वो इसी पर जमा रहा। आज जो है नायब तहसीलदार के अगुवाई में जो है प्रशासन ने कब्जा खाली कराया है और ये बताया कि जमीन ग्राम सभा की है, जो कि है भी ग्राम सभा की। अवैध कब्जेदार इतना दबंग बार बार कब्जा कर लेता है तो अब की बार शासन प्रशासन ने चाहा कि प्रधान के सुपुर्द जमीन कर दिया जाएगा और उस पर कोई जो है इस्तेमाल करेंगे, जो भी अपने ग्राम समाज के हित के लिए जो इस्तेमाल करें, जिससे कि जो है अवैध कब्जेदार बार बार जमीन कब्जा ना करना चाहे, इसलिए आप इस पर क्या करवाना चाहेंगे? अब इस पर जो है कुछ सोचा जाएगा, हम अपने मेंबरों के साथ और जो संभ्रांत नागरिक हैं उनके साथ बैठ के बैठक करेंगे, फिर देखेंगे जो ग्राम सभा के हित में होगा वो काम इस पर किया जाएगा, जिससे ग्राम सभा का हित बराबर लगातार बना रहे। आप अपना नाम और पद बताते हुए बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है और पद क्या है। मेरा नाम ऋषि कुमार सिंह है, पूर्व अन्ना, ग्राम प्रधान हरक, प्रधान संघ अध्यक्ष हरक ब्लॉक।